हमारे YouTube चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, ये है साइकस का प्लांट जो पॉट में लगा हुआ है, पॉटेड प्लांट। इसमें देखेंगे ये साइकस की ये लीव्स हैं और ये रैकिस के दोनों ओर लगी हैं। ठीक है, जिस स्टॉक पर, जिस व्रंथ पर ये लगी हैं, इसको रैकिस कहते हैं बीच में। और ये साइकस की लीफलेट है। ये साइकस की जो पत्तियां होती हैं इनको हम पर्णक या लीफलेट कहते हैं। हम एक लीफलेट इसकी अलग करेंगे और इसी को फिर हम बताएंगे कि इसकी जो अनुप्रस्थ काट है कैसे काटते हैं और किस प्रकार इसको इसकी संरचना दिखाई देती है। देखिए, अब हमने साइकस की जो लीफ है इसकी लीफलेट को हमने अलग कर लिया है। अब इसको देखिए, हम टीएस इसको किस प्रकार टीएस काटेंगे। इसकी लीफलेट को हम इस तरह से इसकी टीएस काटते हैं और टीएस जब काटेंगे तो आप लोग देखेंगे ये विंग्स लाइक बीच में इसके मिड वेन होती है। अपर और लोअर एपिडर्मिस तो होती ही हैं। जो ऊपरी भाग है दो तरह से, अपर और लोअर एपिडर्मिस, तो आप यहाँ देखेंगे इन स्ट्रक्चर्स को जब हमने ये काटी है तो ऐसे लगता है जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ रहा है। तो इसकी जो लीव्स हैं, लीफलेट हैं, ये इस प्रकार दिखाई देती हैं। आप लोग देख रहे होंगे, हम इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं चित्रों को। तो देखेंगे आप, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो ये लीफलेट इस प्रकार की ये दिखती हैं। ये दिख रही हैं आपको लीफलेट, और इसको हमने टीएस इसकी काटा है। इसकी टीएस को इस तरह से काटा है कि ये आसमान में उड़ते हुए विंग्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये इसकी ऊपरी एपिडर्मिस होती है, यानी ऊपरी बाह्य त्वचा, और इसको पलट के देखते हैं तो ये निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा में ये मिड वेन होती है, ये जो होती है बीच में जो मिड वेन है, और दोनों ओर से ये क्या है, मुड़ी हुई होती है इसकी पत्ती। तो इस तरह से लगती है जैसे कि ये आसमान में कोई पक्षी जैसा उड़ रहा है। विंग्स होते हैं दोनों ओर, बीच में इसके मध्य सिरा होती है। इसको देखिए, अभी हम चित्र बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं, तब इसमें स्पष्ट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो साइकस के लीफलेट की अनुप्रस्थ काट। अभी आप लोगों ने देखा कि हमने अभी एक साइकस की लीफलेट को उसकी टीएस को कट करके दिखाया था। देखिए, साइकस की लीफलेट को हम किस प्रकार, ये साइकस की लीफ है, ये लीफलेट है, तो बीच में इसके मिड वेन होती है, इसके मध्य में मध्य शिरा होती है, इसके मध्य में जिसको हम मिड वेन कहते हैं, मध्य शिरा, और इस मध्य शिरा के इसके निचली बाह्य त्वचा के, अगर हम इसको, ये हमारा हाथ अगर ऊपरी बाह्य त्वचा है, ये निचली बाह्य त्वचा है, तो निचली बाह्य त्वचा के दोनों किनारे मुड़े हुए होते हैं। ये निचली अगर बाह्य त्वचा होगी तो इसके किनारे थोड़े थोड़े मुड़े हुए होंगे, और इसको हम इस तरह से काटें। ये मिड वेन होती है, मध्य सिरा होती है इसमें साइकस की लीफलेट में, अभी आपने देखा। और इसको हम जब इसके टीएस इस प्रकार से काटेंगे, इसको काटेंगे टीएस इस तरह से, टीएस ऐसे काटते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, और तो टीएस काटते हैं तो ये किस प्रकार दिखाई देती है, अभी आपने देखा कि बीच में तो मध्य सिरा है ही, और ये इस तरह से दिखती है जैसे कि कोई पक्षी आसमान में उड़ रहा है। और चूंकि ये मुड़ा हुआ होता है हिस्सा, ये दोनों ओर किनारे निचली बाह्य त्वचा की ओर ये मुड़े हुए होते हैं, ये ऊपरी बाह्य त्वचा है, अपर एपिडर्मिस जिसको कहते हैं, ये अपर एपिडर्मिस कहलाती है, और निचली बाह्य त्वचा को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, और इसके मध्य में जो मिड वेन है, तो इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है जो बंडल शीथ से घिरा होता है। वैस्कुलर बंडल जो है इसमें जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम नीचे की ओर होता है निचली बाह्य त्वचा की ओर, और जाइलम ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल क्या कहलाते हैं, कोलेट्रल कहलाते हैं, कंजॉइंट कहलाएंगे और कोलेट्रल कहलाएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे, इस तरह की संरचना आप लोगों ने देखी जो ये विंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब देखेंगे इसकी इलाबोरेट स्ट्रक्चर को, देखेंगे इसकी संरचना को थोड़ा सा विस्तृत करके देखते हैं। तो सबसे ऊपर अगर हम देखें तो इसकी जो बाह्य त्वचा है, देखिए हम अपर एपिडर्मिस बनाते हैं सबसे पहले, और ये वाला पार्ट, इसको मुड़े हुए भाग को बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर इतना हम शो कर रहे हैं और यहां पर ये दिखाया हमने। तो ये ऊपरी अपर एपिडर्मिस हम बना रहे हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा, ये अपर एपिडर्मिस,
और इसमें लोअर एपिडर्मिस जो नीचे की त्वचा बनाएंगे हम इसकी, तो उस पर रंध्र धंसे रहते हैं अंदर की ओर। देखेंगे यहां पर आप लोगों ने देखा, ये हमने बना दी अपर एपिडर्मिस यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा, अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस बना दिया। और इसके निचले भाग में क्या होंगे, निचले पार्ट में यहां ये रंध्र होते हैं, तो रंध्र के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया, स्टोमेटा होते हैं और निचली बाह्य त्वचा से लगे हुए स्टोमेटा होते हैं। तो इसको ये निचली बाह्य त्वचा हो गई, तो दो बाह्य त्वचा हम बना रहे हैं और ये क्या है, इसमें रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन करना यानी वाष्पोत्सर्जन, जो जल वाष्प जो पौधे छोड़ते हैं वो स्टोमेटा से छोड़ते हैं। और इसके अतिरिक्त स्टोमेटा का जो कार्य होता है वो होता है CO2 और O2 का आदान प्रदान करना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। तो ये स्टोमेटा हो गए, निचली बाह्य त्वचा पर स्टोमेटा पाए जाएंगे। तो ये अपर एपिडर्मिस और निचली वाली लोअर एपिडर्मिस कहलाती है, इसको हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। और अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, तो बीच में होता है, ये बीच में होता है वैस्कुलर बंडल। और ये जो वैस्कुलर बंडल है इसमें जाइलम, दो प्रकार का जाइलम होगा, एक तो ये जाइलम होंगे, जाइलम बाहिकांड, इसको सेंट्री पीटल जाइलम कहेंगे, ये जाइलम वाहिकाओं का यहां जाइलम होगा वैस्कुलर बंडल में, यहां जाइलम बना दिया हमने, देखिए दूसरे कलर से अभी बनाते हैं इसको। और इसके अतिरिक्त जो जाइलम है, इस सेंट्रीपिटल जाइलम के दोनों ओर सेंट्रीफ्यूजल जाइलम भी पाया जाता है, इसके दोनों ओर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूजल जाइलम पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त यहां इन दोनों के मध्य है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य है, जाइलम हो गया ये, और दोनों ओर सेंट्रीपिटल जाइलम के दोनों ओर सेंट्रीफ्यूजल जाइलम हो गया। और यहां जो रेड कलर से बनाई, ये हमने बनाया कैम्बियम की पट्टी होती है, ये कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम को कैम्बियम बांटता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन टाइप। अगर कैम्बियम की पट्टी नहीं होती तो ये वैस्कुलर बंडल कैसा होता, क्लोज्ड होता। तो इसको, ये जो पार्ट है इसको हम फ्लोएम कहते हैं, हम इसको इस प्रकार की सेल्स से दिखा सकते हैं। तो यहां हम देखिए फ्लोएम बना दिया, जाइलम बना दिया, और जाइलम भी कितना है, मध्य सिरा है, ये मध्य सिरा में ही होते हैं वैस्कुलर बंडल, तो ये हमने एक तरह से मध्य सिरा बनाई है लीफलेट की। तो मध्य सिरा बीच में होगी, ये कैम्बियम होगा, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल जाइलम, सेंट्रीपिटल जाइलम होगा, और सेंट्रीपिटल जाइलम के दोनों ओर सेंट्रीफ्यूजल, सेंट्रीफ्यूजल जाइलम पाया जाता है। और फ्लोएम इसके नीचे, ठीक नीचे फ्लोएम स्थित होगा, और फ्लोएम और जाइलम के मध्य कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है। इसको हम अलग दिखा देते हैं, यहां पर लिख दिया ये कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल, इसमें निचली बाह्य त्वचा की ओर ही फ्लोएम होगा, जाइलम ऊपर की ओर होगा अपर एपिडर्मिस की तरफ, और जाइलम दो प्रकार का होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूजल। जाइलम और जाइलम और फ्लोएम के मध्य क्या पाई जाएगी, कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं, देखिए ठीक बाह्य त्वचा के नीचे, अभी देखिए अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, तो इन एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है। और हाइपोडर्मिस भी कैसी होगी बनी हुई, ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, दृढ़ ऊतक से बनी हाइपोडर्मिस उपस्थित होती है। इसको हमने देखिए हाइपोडर्मिस को बना रहे हैं, ये हाइपोडर्मिस की लेयर्स इसमें पाई जाती हैं, हाइपोडर्मिस उपस्थित होगी, और हाइपोडर्मिस भी कैसी, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है। ये स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, सेल्स जो है ना,
सेल्स की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, इसलिए हम इनको डबल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मोटी भित्ति की कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इनको दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं कहते हैं, और ये कठोर ऊतक से बनी होती हैं, इसलिए इनको दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस कहा जाता है। इस हाइपोडर्मिस का नाम है स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, मतलब ये हाइपोडर्मिस होगी, हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस होगी अधस्त त्वचा, और ये भी कैसी होगी, स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, दृढ़ ऊतक से बनी होती है स्क्लेरेनकाइमेटस, और ये मिडवेन है ही, मिडवेन के जो मध्य शिरा है, मध्य सिरे में ही ये वैस्कुलर बंडल है, और मध्य सिरा के दोनों ओर संचरण ऊतक उपस्थित होता है, इसमें पाया जाता है संचरण ऊतक। चलिए रेड कलर से इसको हम शो करते हैं, इनमें जो सेल्स होंगी तो इन सेल्स में क्या पाया जाएगा, दोनों ओर संचरण ऊतक उपस्थित होगा, मिड वेन के दोनों ओर संचरण ऊतक उपस्थित होता है, इनमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, इन सेल्स में पर्ण मध्योतक की जो मीसोफिल की कोशिकाएं हैं इनमें क्या पाया जाएगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू उपस्थित होता है, इनमें संचरण ऊतक, संचरण ऊतक इनकी विशेषता है, साइकस की या जिम्नोस्पर्म प्लांट की ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, और ये इसमें जो होती हैं सहायक शिराएं नहीं होती हैं, एसेसरी वेन्स नहीं पाई जाती, या लेटरल वेन्स इनमें नहीं पाई जाती, तो लेटरल वेन्स मध्य सिरा तो होती है लेकिन जो लेटरल वेन्स और बहुत सारी होनी चाहिए पत्ती में उसमें नहीं पाई जाती, तो ऐसे में वाटर कंडक्शन एंड मिनरल कंडक्शन का जो काम है, जल एंड खाद्य पदार्थों का संवहन ट्रांसफ्यूजन टिश्यू द्वारा किया जाता है, जिसको हम संचरण ऊतक कहते हैं, संचरण ऊतक के नाम से इसे जानते हैं, संचरण ऊतक कहते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू को, तो ये इनमें उपस्थित रहता है। और इसके बाद इनके मध्य में सारे भाग में एक चीज और उपस्थित होती है स्क्लेरेनकाइमेटस के नीचे, केवल ऊपरी ही भाग में, ऊपरी बाह्य त्वचा के नीचे ही ये खंभ ऊतक पाया जाता है, पेरिसेट टिश्यू, लंबी कोशिकाओं की एक लेयर पाई जाती है, और ये सिर्फ मध्य सिरा वाले भाग में ही उपस्थित होता है ऊपरी त्वचा में, इसको हम क्या कहते हैं, खंभ ऊतक यानी कि पेरिसेट टिश्यू कहते हैं, खंभ ऊतक की एक लेयर पाई जाती है, पेरिसेट टिश्यू, ये पेरिसेट टिश्यू होगा। और इसके अतिरिक्त पूरे भाग में इसमें स्पंजी पेरेन्काइमा, ये मीसोफिल जो है इसको पर्ण मध्योतक कहेंगे, और ये पर्ण मध्योतक क्या होता है, कहीं कहीं स्पेशियस होता है, स्पेस पाए जाते हैं, तो ये क्या होता है, स्पंजी पेरेन्काइमा इसमें उपस्थित होता है, पूरी सेल्स में, सब में सेल्स पाई जाएंगी राउंड, ये कोशिकाएं भरी रहेंगी, और इनको हम क्या कहेंगे, पर्ण मध्योतक यानी कि मीसोफिल कहा जाता है, और मीसोफिल की जो कोशिकाएं हैं वो कैसे बनी होती हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा से बनी रहती हैं। तो इनको, इस पूरे को क्या कहेंगे, मीसोफिल, पर्ण मध्योतक कहते हैं हिंदी में, और ये किस चीज से बना होता है, ये होता है स्पंजी पेरेन्काइमा, चलिए इधर ही लिखते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा यानी कि मृदु तक से, स्पंजी मृदु तक से ये मीसोफिल की जो सेल्स हैं वो बनी होती हैं। इसके अलावा ये जो लीफलेट का जो विंग वाला पार्ट है जो बाद में विंग्स की ओर मुड़ जाएगा, तो इसमें भी क्या पाया जाता है, संचरण ऊतक पाया जाता है, ये जो संचरण ऊतक बताया था, तो ऐसे संचरण ऊतक को एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहा जाता है, इनमें एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, एसेसरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू उपस्थित होता है। तो इस प्रकार देखेंगे साइकस के जो लीफलेट है इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है, और ये जो वैस्कुलर बंडल हमने बनाया, ये वैस्कुलर बंडल किससे घिरा रहता है, बंडल सीथ द्वारा घिरा रहता है, तो इसको क्या कहेंगे, बंडल सीथ, जिससे पूरा आवरण द्वारा घिरा रहेगा उसको बंडल सीथ
कहा जाता है। इस प्रकार देखते हैं एक साइकस की लीफलेट की संरचना कंप्लीट हो जाती है। यहां निचली बाह्य त्वचा पर ही जैसे द्विबीजपत्री पौधों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो इसमें भी जिम्नोस्पर्म में साइकस की लीफलेट में भी जो स्टोमेटा है वो निचली बाह्य त्वचा यानी लोअर एपिडर्मिस पर ही उपस्थित होते हैं। इसके अलावा एक कवरिंग और इसके ऊपर पाई जाती है एक क्यूटिकल की एक परत और पाई जाती है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर क्या पाया जाता है एक क्यूटिकल यानी उपचर्म का एक पतली मोम जैसी परत होती है जिसको क्या कहते हैं क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल का एक आवरण मोम की एक परत उपचर्म पाई जाती है जिसको हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये साइकस की जो परणक है लीफलेट है उसका चित्र कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों ने देखा साइकस की लीफलेट जिसको हमने कट करके भी दिखाया और कट करके एक बार फिर से हम बता रहे हैं। तो ये साइकस का जो मिड वेन है तो मिड वेन की तरफ से आपने इस तरह से मुड़ी हुई स्ट्रक्चर देखी जैसे कि एक पक्षी आसमान में उड़ रहा होता, बीच में मिड वेन होती है जिसको काटने पर ऐसा लगता है और किनारे इसके मुड़े हुए होते हैं। तो इनके किनारे जो मुड़े हुए होते हैं लोअर एपिडर्मिस की तरफ, तो इनको क्या कहते हैं हम विंग्स कहते हैं। जैसे ये दो विंग्स इसकी लीफ में पाए जाते हैं। तो साइकस की लीफ को पहचानने का यही तरीका है कि इसको अगर हम देखेंगे तो ये विंग लाइक लगती है, जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं ऐसे ही इसकी पत्ती में दो विंग्स पाए जाते हैं। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।